जो आपके पहचान में ना हो उनको उठाइए, चाहे यहाँ से वहां से। एक मिनट, किसी को उठाइए, किसको उठाइए? अच्छा, आप जान पहचान के क्या बगल में उठा दिया, जानते नहीं है ना? बातचीत लग रहा हुआ था कि बच्चे में ही उठाई जा पहले हाथ गोड़ जोड़ा दिखवा, ऐसा नहीं ना है? आइए माता जी, इन्हीं को क्या दूसरे को भेजना है? नाम बताइए माता जी, कहाँ से हैं आप? नाम माइक उठा लीजिए। नाला से पाड़ा, गौराही पाड़ा से। अच्छा, नाम क्या है माता जी? मंजू सिंह। अच्छा, क्या समस्या, कोई प्रश्न, कोई चिंता? हाँ, चिंता यही है कि मेरा लड़का बहुत परेशान है साल भर। अच्छा, क्या दिक्कत है? तो बहुत परेशान है, क्या दिक्कत होता है? डॉक्टर बोलते हैं कि रोग नहीं है, कुछ नहीं है, दवा चल रहा है, पता क्या क्या है? क्या दिक्कत होता है, मतलब ऐसे दिक्कत में क्या होता है? दिक्कत में यही होता है कि पहले तबीयत खराब हो, मतलब संडास हुआ, उसके बाद एकदम कितने लगा एकदम शक्ति साल भर से। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल रहा है कि लीवर में क्या हो गया है। रहने वाली कहाँ थी? यहीं थी कि कहाँ थी? नहीं, गांव तो बनारस जिला है, काटा का। अच्छा, आई खिला रहते हैं, मेरा घर द्वार यही है। और परिवार वाले सब लोग? सब लोग, मतलब पूरे परिवार के खानदान के सब लोग यही रहते हैं? हाँ, तब तो हम अगर नाम बताएंगे तो झगड़ा करेंगे। नहीं नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, पूरा परिवार नहीं रहते हैं, मेरा अकेले आदमी है, पकड़ा गए बाहर तो बड़ी दिक्कत हो जाए। मेरा परिवार रहते हैं ना। अच्छा, आगे परिवार रहता है, सब बचा ले, राधा रानी बचा ले ली। बताइए तो वो बच्चे का दिक्कत, और कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत सबसे शुगर वगैरह यही सब दिक्कत है। तो आपको कोई और कुछ बताया, किसी और से पूछी थी तो कोई क्या दिक्कत बताते हैं लोग? सही सही बताइएगा, दो तीन लोगों से पूछी है। वो बताए कि गरम है तो क्या है, तो भूत है, यही सब पता है। तो उसका इलाज करवाई? अरे इलाज तो देखवाई पूरा। पैसा दी खूब? अभी तो पैसा भी नहीं दिया। अच्छा, पैसा नहीं दी, तो बहुत अच्छा काम थी, पैसा हमको दे दीजिएगा। तो पढ़ लेती है संदीप भैया है, तो सबसे पढ़े लिखे हमारे प्रिय, इन्हीं से पढ़ पाते हैं सबका परेशान भैया। आप पढ़ते रहिए, आप हाँ नहीं बताते रहिएगा जो जुम लिखे। मेरा लड़का भी आया है। अच्छा, कहाँ है? बस उनको वहीं से खड़ा कर दीजिए, एक बार देख ले। जेलर सिंह यहाँ। नाम तो क्या रखे हैं? जेलर सिंह। अरे वाह, जेलर जी भैया, वाह रे वाह, कितना सुंदर नाम, डर गए हमको, जेलर को बुलाने लगी। एक ही लड़का है मेरे। अरे बहुत अच्छा है भैया, बैठे कब से एकदम राधा राधा कर रहे हैं बैठ के, भक्ति में देख रहे हैं। देखिए रुमाल रखे हैं, धूप के लिए रखे हैं भैया की? धूप के लिए, बहुत गर्मी है। ठीक है, आपके लिए लिखे हैं, पढ़ते रहिएगा भैया। मन से व्याकुल है, कार्य में उन्नति रुकी हुई है, मन एकदम सबका भ्रमित है, परिवार में मायके में आपके मायके से समस्या है, पितृदोष है, प्रेत बाधा है, सभी समस्या आपके है। आपके मायके में अशोक नाम के व्यक्ति के द्वारा आपके आपके पूरे परिवार पर जो है तंत्र प्रक्रिया किया गया है, इधर का कोई दोष नहीं है। अशोक नाम का व्यक्ति वहाँ का है, दाढ़ी नहीं रखता, मूछ रखता है, बीच में से बाल झड़ा हुआ है। अशोक नाम का व्यक्ति आपके घर के बाएं साइड से दो तीन घर दूर रहता है,
पूरा बायोडाटा अभी नहीं देंगे, बाद में पीछे मोबाइल नंबर उनका लिख कर दे देंगे, आप बात करके पूछ लीजिएगा कहाँ कैला हुआ। बोले राधा रानी सरकार की जय। आपसे तंत्र कटेगा, इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, दवाई करेंगे दवाई लगने लगेगा, तंत्र विद्या के कारण ही इनको दिक्कत है। पीछे लिखे गए कि बच्चे के जो है दिक्कत दूर होगी, आपके जो एक ही लड़के हैं ना, बच्चे की दिक्कत दूर होगी, बीमारी दूर होगी। और रविवार को जो है दुर्गा चालीसा का घर में कोई भी पाठ करे, चाहे भैया करें कोई भी करे, दुर्गा चालीसा का रविवार को, हर रविवार को एक बार पाठ करना है, धीरे धीरे सारी समस्या ठीक हो जाएगी। और कोई प्रश्न? बस इतना ही, आपका यही अर्जी लगा है और उनका स्वास्थ्य आज तक ठीक होने लगेगा, दवाई काम करने लगेगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। अशोक नाम के जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, आज से उसका तंत्र विद्या का प्रयोग खत्म हो जाएगा। माइक नीचे रखें, आंख बंद कर लीजिए, आप भी वहां से आंख बंद कर लीजिए भैया, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठिए। आप लोग साइड में सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, चाहे कार्यकर्ता हो या भक्त हो, कोई भी बीच में नहीं आएगा। सभी लोग थोड़ा साइड में। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया सुदामा जी को जल्दी से ला करके सीधे मेरे द्वारिका के द्वार में ला करके रख दो। सुदामा जी ऐसे बैठे थे, प्रभु कोई एक ब्राह्मण आया है और बहुत वृद्ध है,
शीश बगान धजाया कर रहे हैं। एक मिनट राधे राधे। जिस सभी कहा कि नाम पूछा रहा पूछा बतावत नाम अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते है तुरंत भगवान को दौड़ पड़े वो सुदामा 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 मित्र सुदामा कहते हुए ऐसे दौड़ पड़े हैं, ऐसे दौड़ पड़े हैं प्रभु। पिता पर कहीं गिर जाता है खड़ा होकर छोड़ करके दौड़ पड़े सब द्वारिका वासी आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे। श्री राधे राधे सुनते ही दौड़े